नोएडा थाना फेस वन पुलिस और मोबाइल स्नैचर बदमाश के साथ हुई पुलिस मुठभेड़। बदमाश जय किशन को गोली लगने के बाद घायल अवस्था में किया गिरफ्तार। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि बदमाश सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे एक व्यक्ति से मोबाइल छीनकर भाग रहा था, जिसकी सूचना पीड़ित द्वारा कंट्रोल रूम और स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए बदमाश का पीछा कर उसे सेक्टर 15 नाले वाले रोड से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि बदमाश जय किशन पर एक दर्जन से भी अधिक मुकदमे दर्ज है और ये इससे पहले भी गैंगस्टर एक्ट में नोएडा थाना सेक्टर 20 से जेल जा चुका है। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, एक मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए नोएडा से पवन सिंह परमार की खास रिपोर्ट। सर मुठभेड़ हुई है, क्या है पुराना? ये थाना क्षेत्र फेज वन में पुलिस से एक बदमाश की मुठभेड़ हुई है, जिसका नाम जय किशन उर्फ रोहित है। मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और पूर्व में यहाँ पर सेक्टर 8 में रह रहा था और वर्तमान में शुक्ला गली आज़ाद नगर दिल्ली में ये रह रहा है। आज सुबह के घटनाक्रम में साजिद नामक एक व्यक्ति जो मॉर्निंग वॉक पे निकला था, उसके साथ इसने मोबाइल स्नैचिंग की। साजिद द्वारा तत्काल कंट्रोल रूम को और पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा इसका पीछा किया गया और जब पुलिस से घिरा इसने स्वयं को देखा तो पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में इसे गोली लगी है और ये उपचार हेतु भेजा गया है। इसके विरुद्ध दिल्ली NCR क्षेत्र में अब तक एक दर्जन अभियोगों की जानकारी हुई है। सेक्टर 20 थाना क्षेत्र से इसके विरुद्ध गत वर्ष गैंगस्टर का अभियोग भी पंजीकृत किया गया था, जिसमें जेल भी गया था। इसके पास से आज जो सवेरे मोबाइल लूटा गया है, उसके अतिरिक्त 2 अन्य मोबाइल बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल जो बिना नंबर की है और संभवतः ही चोरी की है, इसके पास से बरामद हुई है। तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसके अन्य साथियों की और अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही, तदनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई इसके लिए। अच्छा, गैंगस्टर भी लगा हुआ है? हाँ, गत वर्ष इसमें गैंगस्टर लगा हुआ था, थाना सेक्टर 20 थाना क्षेत्र से।